हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस। वी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू हो गया है, जो आपको रोज़ सुबह 5 बजे मिल जाता है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये वीडियो को ले सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जो भी फैक्ट होंगे उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोग को लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखिए क्या है, रूस, इटली, डेनमार्क या फ्रांस। तो जिनको भी इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जिनको नहीं पता है वो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है डेनमार्क। डेनमार्क में एक रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अब डेनमार्क के बारे में जानते हैं। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। डेनमार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तरी यूरोप में। अब डेनमार्क की राजधानी है आपका कोपेनहेगन और मुद्रा इसका है डेनिश क्रोन। अब यहाँ पे जो डेनमार्क है, वहाँ पे जो सरकार है वहाँ की, वहाँ पे संवैधानिक राजशाही सरकार चलती है। तो वहाँ की रानी कौन है, तो वहाँ की रानी है मार्गेथा, और प्रधानमंत्री वहाँ के है अदीस फाग रामुसेन। फिर से सुनिए आप लोग, प्रधानमंत्री कौन है, अदीस फाग रामुसेन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, DMRC द्वारा भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। ये करेंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। इसका ऑप्शन देखिए क्या है, चांदनी चौक मेट्रो रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता के देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन देखिए आपका, चेन्नई, पुणे, गांधीनगर और बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह है गांधीनगर। तो GIMSC एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए आप लोग, गिफ्ट सिटी जो कहाँ पे है आपका, गुजरात के गांधीनगर में है, वहाँ पे इसे स्थापित किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। GI प्रमाणित मदुरे मल्ली किस राज्य से USA और दुबई को निर्यात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ का GI प्रमाणित जो है वो आपको USA और दुबई में निर्यात किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तो GI प्रमाणित मदुरे मल्ली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे बटन गुलाब, लीची, चमेथी और गेंदा हाल ही में तमिलनाडु से USA और दुबई में निर्यात किए जा रहे हैं। तो GI टैग का पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, किसने कार्यभार संभाला है। इसका ऑप्शन देखिए, बद्रुद्दीन अजमली, भगवत खुबा, होरेन सिंह बेओ, राजदीप रॉय।
तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जिनको नहीं पता हो हमारे साथ बने रहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका भगवत खुबा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को तक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कि क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। दो ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले महान भारतीय खिलाड़ी केशव दत्त का निधन हो गया, वह किस खेल के अनुभवी खिलाड़ी थे? ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है हॉकी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं, पर याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन को देखिए, कोयला राज्य मंत्री और खान राज्य मंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? इससे पहले हमारी वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है जिसमें आपको मंत्रिमंडल जो अपडेट हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा पद मिला है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के आई बटन पर क्लिक करके या चैनल डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह है दानवे राव साहेब दादा राव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर एट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, जापान मेला व्यापार आयोग ने किसके साथ सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देखिए इसका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और बहुत ही इस चैनल पर आपको मैथ की कंटिन्यूसली क्लास और रीजनिंग की भी कंटिन्यूसली क्लास मिलने लगेगी। तो फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौता किया है? ऑप्शन देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक या फिर केनरा बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप लोग जान लीजिए, इसका मुख्यालय है मुंबई। क्वेश्चन नंबर टेन, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है, उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्पर्श, बी में है मित्रा, सी में रोशनी और डी ऑप्शन में आपका प्रयास। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पर्श। स्पर्श जो है पेंशन प्रशासन प्रणाली की लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ वीडियो को इन करते हैं। और हाँ, अभी आप लोग मत जाइएगा क्योंकि आपके लिए होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो अभी आपको दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे ले चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन पे कि होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। फेंग्यून 3E उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा ऑप्शन आपका जापान। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड तक को शेयर कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर चलिए मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।